हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्यूटीफुल जैमिकास मैथ एकेडमी। स्टूडेंट, आज की वीडियो हम देखेंगे चैप्टर टू, जो आपका क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो आपका चैप्टर नंबर टू है, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं स्टूडेंट। और ये मैं नोट्स क्या करूँगा, आज शेयर करूँगा स्टूडेंट। ये भी आपका जो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है, जो आपका चैप्टर वन है और चैप्टर टू है। ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है। इसमें हम क्या करते हैं, चार्ज के बारे में ही हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। तो पहला जो आपका ये जितना भी टॉपिक है, एनसीईआरटी टॉपिक है, वो सारा क्या है, इस नोट्स में मैंने कवर किया है अच्छे तरीके से। सारा उस डेरिवेशन भी है, वो भी आपका क्या है, इसमें अच्छे तरीके से मिल जाएगा। और अच्छे तरीके से हर एक डेरिवेशन को भी मैंने राइट किया है, उसका स्टेटमेंट भी, और उसके जो भी फॉर्मूलेज जो हैं, जो भी अप्लाई करके एकदम शॉर्ट मेथड में वो मैंने डिराइव किया है। आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तभी भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, उस पॉइंट उस टॉपिक को मैं वहाँ पे क्या कर दूँगा, आपको क्लियर कर दूँगा। और इसमें का भी जो आपका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजिशन एट इक्वेटोरियल पोजिशन पे कितना होता है, उसका मैं डेरिवेशन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं करा दूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है, और आपका जो कैपेसिटेंस होता है, पहले स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन ए कंडक्टर, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये सब डेरिवेशन में क्या करूँगा, एक पर्टिकुलर वीडियो में आपको समझा दूंगा वहाँ पे, ठीक है। और आप इसे बुक इसको क्या करेंगे, रीड करेंगे ना, तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जो डेरिवेशन है, मेन डेरिवेशन है, तीन चार डेरिवेशन है, मैं उसको करा दूंगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर वीडियो में, एक एक वीडियो में 5-6 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें एक एक डेरिवेशन में क्या करूँगा, लाइन बाय लाइन सॉल्व करा दूंगा स्टूडेंट, ठीक है। तो वहाँ से आपको बहुत कुछ हेल्पफुल मिलेगा, और इस नोट्स को पढ़ेंगे समझेंगे तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, कोई टॉपिक जहाँ पे नहीं समझ में आता है पूछ लीजिएगा, जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वहाँ पे आपको समझा दूंगा, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ये स्टार्टिंग के दो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, हार्ड कह सकते नहीं सकते, इसका कंसेप्ट बहुत ही क्लियर आता है, अच्छे तरीके से आप समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है स्टूडेंट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जाकर PDF वहाँ से डाउनलोड करके आप वहाँ से इजिली पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर दिया है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसको क्या करेंगे, उसका मैं PDF नोट्स आपका शेयर कर दूंगा, ठीक है। और कमेंट करके जो बताएगा आपको ये नोट्स कैसा लगा, और कुछ इससे हेल्प मिले तो क्या करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिएगा, उनको भी कुछ हेल्प मिल सके मेरे चैनल की मदद से, ठीक है स्टूडेंट। और 3-4 दिन में क्या होगा, मैं सारा नोट्स क्या कर दूंगा, क्लास 12 फिजिक्स का सारा नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा, एक एक करके डेली एक वीडियो आएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और मैं सोच रहा हूँ फिजिकल एजुकेशन का भी क्या करूँ, नोट्स मेरे पास है जिसे मैंने पढ़ के 95+ स्कोर किया इन फिजिकल एजुकेशन, जो बहुत ही स्पेसिफिक नोट्स है, इजी लैंग्वेज में है, और आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छे तरीके से उसमें नंबर गेन हो जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे तरीके से पढ़िए, पढ़ते रहिए, और ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, सब चीज़ आपको अवेलेबल कर दूंगा मैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, हैव ए नाइस डे। और स्टूडेंट, वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये नोट्स कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, कुछ हेल्पफुल हुआ कि नहीं हुआ, तो कमेंट करते हैं तो मोटिवेशन बढ़ता है, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, थोड़ा मोटिवेशन लेवल भी बनता है हमारा, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत, हैव ए नाइस डे।